मंगलवार छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्याय मतदान कोड़े आसन पर भोट ओडिया भोटरों निर्णायक भूमिका प्रस्तुति चूड़ांत भोट ग्रहण को अपेक्षा मंगलवार छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रथम पर्याय मतदान कोड़े आसन पर निर्वाचन मैदान में 223 जन प्रार्थी एमानों मध्य अच्छा 25 जन महिला प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे 40,78,681 जन भोटर मंगलवार भोट ग्रहण पर 5,304 मतदान केन्द्र शनिवार और रविवार नक्सल प्रवण 5 जिलार 156 बूथ को हेलिकॉप्टर जोगे पठा जाए पुलिंग टीम नक्सल प्रभावित 10 आसन में सका 7 दिन 3 जाए हेबो मतदान बाकी आसन में सका 7 अपराह 5 जाए भोट निया प्रति विधानसभा आसन 10 बूथ में केवल महिला कर्मचारी रहिबे सुरक्षाकर्मी भी रहिबे महिला एमानंकु उत्साहित करने को बस्तर जिलापाल गोलाप फूल दे शुभेच्छा जनाइछन्ति। जिले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले के अंतर्गत में सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 760 मतदान केंद्रों का हम लोगों ने चयन किया हुआ है, जिसके तहत आज जो है हमारे मतदान दल का रवाना शुरू हो चुका है। चित्रकूट, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए वहाँ पे सिक्योरिटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पुलिस का चौक चौबंद का व्यवस्था कर लिया। बहुत अच्छा फीलिंग है सर, उतना सेंसिटिव नहीं है अभी, ये टीम है इस पर और सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। निर्वाचन प्रचार समय दुई जन बीजेपी नेता हत्या करिछन्ति माओवादी, एथिसह भोट बर्जन आह्वान देइछन्ति। फलर प्रथम पर्याय निर्वाचन छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। छत्तीसगढ़ पुलिस सह केन्द्रीय सुरक्षा बाहिनी और आंध्र पुलिस को मध्य मुतयन करा जाइछि। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर स्वतंत्र नजर रखा जाइछि। बस्तर डिविजन रो 7 नक्सल प्रभावित जिले में भोटदान करा जाइछि स्वतंत्र व्यवस्था। जिला बस्तर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है चुनाव से संबंधित, उन सभी गाइडलाइन का, उन सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन किया गया है। क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय बल और जो जिले में पूर्व से तैनात बल है, उन सभी का आपस में समन्वय करते हुए व्यवस्था लगाई गई है सुरक्षित मतदान संपन्न कराने की। कंटिजेंसी की भी सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं पूर्व से तैयार, और उसके अनुसार फोर्स को भी अच्छे से वेल ट्रेन्ड और वेल ब्रीफ्ड करके ही भेजा गया है। मंगलवार भोट होगा 20 आसन मध्य गत 2008 निर्वाचन में कांग्रेस 17 आसन जीति। एथर यह सब सीट में भल प्रदर्शन करने को जोरदार प्रयास करी बीजेपी। उभय दल बड़ बड़ नेता करी प्रचार। मंगलवार जो बड़ बड़ नेता भाग्यर फैसला हो समय अच्छा बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री रमण सिंह, केदार कश्यप और कांग्रेस मंत्री कवासी लाखमा, राज्य कांग्रेस मुख्य दीपक बेज, मोहम्मद अकबर, बीजेपी धर्मांतरीकरण, महादेव बेटिंग आप स्कैम, विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति और दुर्नीति को प्रचार में मुख्य प्रसंग करता। सेपरि कांग्रेस निजर विभिन्न योजनार प्रचार सह ऋण छाड़ प्रतिश्रुति नहीं मैदान को ओह्लैसी। प्रथम पर्यायर मतदान होगा जगदलपुर समेत पूरा बस्तर जिले में ओडियां भोट बेस गुरुत्व रखुच्छी। ओडिया भाषा को सरकारी भाषार मान्यता, कोटपाड़ जौरा नदी पा समस्या समाधान एठार निर्वाचन प्रसंग हो प्रचार बेले ओडियां प्रभावित करने को उभय बीजेपी और कांग्रेस नेता कर जोरदार उद्यम। विकास तो सब सरकार बोलता है लेकिन करता कहाँ है, उस हिसाब से जमीनी लेवल पे तो नहीं करता है भाई। परिवर्तन तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूरी है ना आदमी को जिंदगी में भाई। आदमी तो वही रोजगार का मेन रहता है, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित मेन तो वो रहता है आदमी का ना। एक व्यक्ति का विकास होगा उसी हिसाब से सरकार का। शहर में देखा जाए तो बीजेपी की हवा चल रही है, बल्कि गाँव का नहीं कहा जा सकता। शहर में बीजेपी लीड लेगी, शहर से जगदलपुर शहर से बीजेपी की लीड होने की बहुत संभावना ज़्यादा है। अगर गाँव में अगर कांग्रेस की लीड नहीं होती है तो बीजेपी की जीतने की संभावना ज्यादा है। 90 आसन विशिष्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा बाकी 70 आसन आसंता 17 तारीख रे भोट ग्रहण, डिसेंबर 3 तारीख रे भोट गणती हेबो। छत्तीसगढ़ जगदलपुर निर्माण साहू, विकास द्वारा और सुमित घंटों सह मनोज दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।